भारत के सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी रविवार को टोक्यो ओलंपिक महिला युगल के पहले दौर में यूक्रेन की नाइडा और ल्यूडमाइला किचेनोक बहनों से हार गई। सानिया और अंकिता ने पहला सेट 6-0 से जीतकर शानदार शुरुआत की, लेकिन अगले दो सेट में लय कायम नहीं रख सकी। भारतीय जोड़ी का करीब 1.5 घंटे तक ये मुकाबला चला। वही 6.0, 7.6, 10.8 से हार गई। भारत के सुमित नागल ने शनिवार को पुरुष एकल वर्ग में इसराइल के डेनिस इस्तोमिन को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। वही जिशान अली और लिएंडर पेस के बाद ओलंपिक पुरुष एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। इसके दूसरी ओर भारत की पदक उम्मीद विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में इसराइल की सेनिया पॉलिकार्पोवा पर सीधे गेमों में आसान जीत दर्ज करके अपने अभियान की शुरुआत की। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने 58th रैंकिंग वाली इसराइली प्रतिद्वंदी के खिलाफ 21.7, 21.10 से 28 मिनट में मुकाबला जीता। दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु का सामना अब हांगकांग की च्यूंग एगान यी से होगा, जो विश्व रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। सिंधु ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन एक समय 3.4 से पीछे चली गई। उन्होंने हालांकि तुरंत वापसी करते हुए सोनिया को गलती करने पर और ब्रेक तक 11.5 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने लगातार 13 अंक बनाए। अपने चीर परिचित सीधे और क्रॉस कोर्ट स्मैश का पूरा इस्तेमाल करके उन्होंने सोनिया को दबाव से निकलने का मौका भी नहीं दिया। सोनिया के एक शॉट चूकने के साथ ही सिंधु ने पहला गेम जीत लिया।